channel D Stylish. My name is Anusha and I'm back with another new video. I am just feeling to helping you out. उन ऑल ब्राइड्स के लिए जिनकी शादी अभी होने वाली है, वो सोच रहे हैं कि ये सेफ नहीं है कि बाहर से किसी को बुला के हमारा मेकओवर किया जाए. बट गाइज, यू कैन डू दिस फुल लुक एट योर होम, फुल सेल्फ ब्राइडल मेकओवर लुक. इफ आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स है गाइज, तो आप खुद ये लुक क्रिएट कर सकते हो. इट्स टू इजी एंड इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल गाइज, सो कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड. नाउ विदाउट डूइंग फर्दर, लेट गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपके पास जो भी नेक्स्ट ज्वेलरी है वो आप पहन दीजिए, उसके बाद हम हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे. हेयर्स को मैं टैंगल फ्री कर दूंगी, उसके बाद फिर सारे हेयर्स को मैं एक पोनी टेल में सिक्योर कर दूंगी. फ्रंट साइड से आप आपके बैंग्स निकाल सकते हैं या फिर आप कोई हेयर स्टाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं. फ्रंट साइड से मैं थोड़े से हेयर्स को लूज कर दूंगी, उसके बाद फिर मैं डोनट को इंसर्ट कर दूंगी मेरे पोनी टेल में, एंड देन फिर एक सिंपल बन बना दूंगी उसमें रबर बैंड को इंसर्ट करने के बाद. एंड जो हेयर्स बाकी बचे हैं उन्हें जस्ट राउंड राउंड करते हुए हमारे पूरे बन को कवर अप कर लेना है. एंड देन इस यू पिन की हेल्प से मैं सारे हेयर्स को सिक्योर कर दूंगी और अच्छे से पिन अप कर दूंगी ताकि मेरे कोई हेयर्स निकले ना. एंड हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से दिखेगा, सिंपल एंड सोबर. नाउ लेट्स डू आवर फेस मेकअप. आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब टोनर, इससे हमारे पोर्स अच्छे से श्रिंक हो जाएंगे. उसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे प्राइमर NYBA का, एंड आई एम जस्ट लूजिंग माय नेकलेस. उसके बाद फेस करेक्ट करूँगी क्रायलॉन के करेक्टर से, ये पिंक करेक्टर है, आप येलो भी यूज़ कर सकते हो. फिंगर की ही हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी. आफ्टर दैट आई एम जस्ट यूजिंग दिस इल्यूमिनेटर फॉर जस्ट हाईलाइटिंग माई हाई बोन्स. एंड आफ्टर दिस आई एम यूजिंग दिस मेबिलीन सुपर स्टे फाउंडेशन. इसके दो पंप ले लूँगी मैं अपने पाम पे, एंड फिर ब्लेंड करूँगी. थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन लगा के ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये जल्दी ड्राई अप हो जाता है. इस तरह के प्रोसेस से आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होगा और बहुत इवन टोन भी दिखेगा. सो इसी तरीके से मैं ब्लेंड कर दूंगी. डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक. ब्राइडल मेकओवर के लिए फुल कवरेज फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए और एज पॉसिबल जितने पार्ट एक्सपोज हो रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए. आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस NYBA कंसीलर. मैं अपने पूरे हाई पॉइंट्स को कंसील करना चाहूँगी. उसके बाद फिर मैं कॉन्टोर करूँगी NYBA की स्टिक से, कॉन्टोर स्टिक से. एंड फिर सबसे पहले मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड कर दूंगी और उसके बाद फिर कॉन्टोर को, ताकि फिर वो अच्छे से ब्लेंड अप दिखे और एक साथ इवन टोन दिखे. एंड फिंगर की हेल्प से मैं अपने नोज कॉन्टोर को ब्लेंड कर दूंगी. आफ्टर दैट आई एम सेटिंग माई कंसीलर विद दिस मेबिलिन कॉम्पैक्ट और मैं कुछ बेकिंग जैसा करने का ट्राई करूंगी. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर आई मेकअप. आई एम यूजिंग दिस palette just for a transition shade. I'm using this shade. I'm blending with this blending brush. ये है Miss Gross का palette जिसका review मैंने किया है, मैं आपको link दे दूँगी eye button पर. इसे अच्छे से blend करना है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा. और थोड़ा सा blackish shade लेके मैं V corner पर blend करूँगी. After that मैं concealer से कट क्रीज क्रिएट कर दूंगी और उसे फिर अच्छे से सेट कर दूंगी कॉम्पैक्ट से. नाउ आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस वेट आई शेडो पैलेट. आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड आई एम यूजिंग दिस गोल्डन एंड रेड शेड. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन शेड. ये प्रॉपरली एक ब्राइडल के लिए कितना प्यारा लगेगा आप देख सकते हो. एंड दिस रेड इन ऑन माई आउटर वी, इट्स लुकिंग सो अमेजिंग. नाउ आई एम स्टे क्वर्की ब्लैक लाइनर एंड आई एम मेकिंग अ विंग लाइनर ऑन माई बोथ आई. आफ्टर दैट आई एम यूज ट्रांजिशन शेड ऑन माई लोअर लाइन एंड फॉर इनर कॉर्नर आई एम यूजिंग दिस गोल्डन शेड एंड यूजिंग अ ब्राउन आई शेडो फिलिंग माई ब्राउज एंड हियर्स माई ब्राउज इज डन. और फिर जो पाउडर एक्स्ट्रा था हमने जो बेकिंग किया था फिर उसे हम डस्ट ऑफ कर देंगे. आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर शेड फ्रॉम द सिवाना पैलेट एंड दिस शेड फॉर एज ब्लश. फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं ये सेट एंड रिफ्लेक्ट का मोआ लेग्स का हाईलाइटर यूज़ करने वाली हूँ. मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी, ब्राउ बोन्स को भी और इनर कॉर्नर ऑफ आईज को भी. उसके बाद मैं मेरे लैशेस अप्लाई कर दूँगी एंड यूजिंग दिस रेड शेड फॉर माई लिप्स. और जो भी ज्वेलरीज बची हैं वो सब मैं कैरी कर लूँगी.
lot. So you know what you have to do. Just subscribe my channel, give thumbs up, leave comment and share with your friends. We will meet on another new video. Till then, stay tuned, take care yourself, and I will meet you soon. Bye.